देखिए वही बात राहुल की सोचने का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी देर हो गई है। सोचेंगे तो शायद हो सकता है कि आगे जो और छोड़ करके जाना चाह रहे हैं पार्टी, उनको ये रोक सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि नाराजगी की बात जरूर कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, जिस तरह के वो बयान दे रहे थे और कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। डैमेज कंट्रोल की बात है, क्योंकि आकांक्षा किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करती है, एक बड़े आदिवासी नेता को रोक नहीं पाई है, आने वाले समय में बाकी जो आदिवासी तो उन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल नंद कुमार साय के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में हम आपको बताते हैं। तो छात्र के लिए राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, छात्र जीवन में अच्छे सक्रिय राजनेता रहे हैं नंद कुमार साय, जहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और 1977 में पहली बार वो विधायक बने। और जैसे ही वो विधायक बने, लगातार आदिवासी वर्ग के लिए जी जान से वो जुटे और उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी वर्ग को समर्पित किया। छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, यानी कि पार्टी ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया है आकांक्षा, ये समझ सकते हैं हमारे दर्शक। राजनीतिक सफर, छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई थी। दो बार के राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं।